नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आयतन आजा इंस्पायर टू हिंदी से, और आज हम बात करने वाले हैं Huawei P30 Lite के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस फोन के एक अनबॉक्सिंग के साथ। ये इसका ऑफिशियल बॉक्स है, अंदर आपको मिलता है Huawei P30 Lite बहुत ही गजब रंगों में, और इसके अलावा अंदर आपको मिलता है इसके लिए सिम ट्रे स्लॉट, ओपनर, पिन और इसकी वारंटी डॉक्यूमेंटेशन कार्ड्स वगैरह। अंदर आपको मिलते हैं बड स्टाइल के ईयरफोन्स और इसके लिए जो USB टाइप सी केबल है वो, और इसका फास्ट चार्जर मिलता है। यह फोन जो है 18 वॉट की क्विक चार्जिंग को सपोर्ट करता है और आपको बॉक्स के अंदर फास्ट चार्जर इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, तो एक इसकी अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है। आइए इस फोन के बिल्ड और डिजाइन के बारे में बात करते हैं। तो ये जो फोन है वे करता है 159 ग्राम्स, उतना ज़्यादा भारी नहीं है, हल्का फुल्का फोन है। इसका बिल्ड और डिजाइन जो है वो सही है, पॉलीकार्बोनेट बॉडी है। बॉटम पर अगर आप ध्यान से देखेंगे 3.5mm जैक इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा USB टाइप सी पोर्ट है और नीचे इसके स्पीकर ग्रिल दिया हुआ है। राइट हैंड साइड पे पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर है। पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप है, बैक पे फिंगरप्रिंट सेंसर है, टॉप पे नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन है और सिम ट्रे स्लॉट है, और लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है। सामने इसके ड्यू ड्रॉप नॉच स्टाइल डिजाइन है और इसके अंदर हाइब्रिड सिम ट्रे स्लॉट इन्होंने दी है, और आप स्टोरेज को 512GB तक बढ़ा सकते हैं। ये किरिन 710 चिपसेट के साथ आता है, जो कि एक ऑक्टाकोर चिपसेट है, और इस फोन के अंदर 6GB रैम के ऑप्शन है और 128GB स्टोरेज है इसके अंदर, और एक 4GB रैम वाला भी ऑप्शन है। सिर्फ जो कनाडा का मॉडल है उसमें NFC सपोर्टेड है, इंडियन मॉडल में NFC जो है वो सपोर्टेड नहीं है। और अगर बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो ये 3340mAh बैटरी के साथ आता है, और ये फोन USB OTG सपोर्ट करता है, जिसके आप देख सकते हैं AnTuTu बेंचमार्क का स्कोर इसका 100,000 के ऊपर था। एक मिड रेंज फोन है, उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करता। इसी प्राइस सेगमेंट में आपको इससे बेटर परफॉर्मिंग फोन्स मिल सकते हैं, और आप इस पर PUBG को मीडियम सेटिंग्स पे खेल सकते हैं बैलेंस्ड और हाई पे, और ज़्यादा गर्म वगैरह नहीं हो रहा था ये फोन, तो वो इसका एक प्लस पॉइंट है कि आप इस सेटिंग्स पे खेल सकते हैं। बट आपको भी पता है कि 14,000 में आज की डेट में ऐसे फोन्स मिलते हैं जिस पे आप PUBG को हाई सेटिंग्स पे खेल सकते हैं, तो उस मामले में परफॉर्मेंस के मामले में फोन काफी हद तक पीछे, एक स्नैपड्रैगन 675 वाला फोन इससे ज्यादा फास्ट होगा। और आइए एक साउंड टेस्ट करते हैं। तो ऑडियो जो था वो सही था, और मतलब आप शोर में भी इसको सुन पाएंगे। यूजर इंटरफेस वगैरह की बात की जाए तो ये EMUI के लेटेस्ट वर्जन के साथ आता है, जो कि एंड्रॉयड पाई पे बेस्ड है, और इसमें ऑलमोस्ट सारे फीचर्स वैसे ही हैं जैसे कि Huawei के अन्य फ्लैगशिप फोन्स पे देखे जाते हैं। बैटरी मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी एग्रेसिव है, और उसकी वजह से होता ही है कि कभी कभी आपको UI में स्टटर वगैरह दिखाई देते हैं। कैमरा UI की बात की जाए तो वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है, पोर्ट्रेट मोड वगैरह, और बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट मोड में ब्यूटी मोड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इनेबल्ड होता है, जिसको आप डिसेबल करेंगे तो भी वो अलग सा ही मतलब आपको सुंदर करके शॉट निकालेगा। बाकी इसमें जो मोड्स हैं वो काफ़ी सारे हैं, तो कई लोगों को एक काफ़ी अच्छा लगेगा कि कैमरा में मोड्स की कमी नहीं की गई है। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाली फोटो ब्यूटी मोड के साथ ली गई थी, तो थोड़ी अलग सी आई थी। बाकी नॉर्मल नेचुरल डेलाइट में ये फोटोज़ काफ़ी सही लेता है, कलर रिप्रोडक्शन सही थी, शार्पनेस ऑन पॉइंट लगी मुझे, और जो लो लाइट पर सेल्फीज लेता है वो मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। इसके अलावा वही है कि डायनामिक रेंज इसका मुझे सही लगा, और ये मतलब मूविंग सब्जेक्ट्स को भी सही कैप्चर कर ही रहा था, पर जो पोर्ट्रेट सेल्फीज है उसमें ज़्यादा ही सुंदर बना दे रहा था लोगों को ब्यूटिफिकेशन ऑफ करने के बाद भी। तो वो एक ऐसी दिक्कत है जो मैं चाहता हूँ Huawei वाले ठीक करें। Huawei P30 Lite 19,990 रुपये पर उपलब्ध होगा 4GB रैम वाले वेरिएंट के लिए, और 22,990 रुपये पर उपलब्ध होगा 6GB रैम वाले वेरिएंट के लिए, और इस प्राइस पे इस फोन को रिकमेंड करना मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। वो इसलिए क्योंकि इसमें कुछ खामियां नहीं है, पर बात बस ये है कि आज की डेट में मार्केट में इतने सारे अन्य ज़बरदस्त फोन्स मौजूद हैं जो कि इससे ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करते हैं, और इससे कम प्राइस पे भी आते हैं, और उनमें मतलब फीचर्स भी कई हद तक इससे ज़्यादा है, तो वही है कि इसको रिकमेंड करना इसलिए मुश्किल हो जाता है। और इसमें यह भी होता है कि अभी मार्केट में Realme 3 Pro जैसे भी फोन्स आने वाले हैं, जो कि Snapdragon 710 के साथ आएंगे, और भी बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिनकी वजह से इस एक पर्टिकुलर फोन को रिकमेंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अवश्य लाइक करें, शेयर करें, इंस्पायर टू हिंदी को सब्सक्राइब करें, नीचे वो एक छोटी सी प्यारी सी घंटी उसको बजा दीजिए, और हमेशा की तरह सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए।